हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। दिवाली बस आने ही वाला है, सभी अपने अपने घरों में सफाई करने में लगे हुए हैं। इसी सफाई का एक हिस्सा है ज्वेलरी। चलिए आज ज्वेलरी को साफ करते हैं, वो भी सिल्वर ज्वेलरी। आइए मैं आज बताती हूँ बहुत ही इजी तरीका, जो बिना खर्चे के बहुत आसानी से आप घर में ही साफ कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। चांदी का ज्वेलरी हो या मूर्ति हो या इस तरह के बर्तन हो, हवा लगने से ये बिल्कुल ही काला पड़ जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना काला हो रखा है, लेकिन हम इसको साफ भी नहीं कर पाते हैं ना करवा पाते हैं, इस चक्कर में पहनते नहीं हैं। आइए इसको आज घर में बहुत इजी वे में साफ करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी, कोलगेट पेस्ट और एक पुराना ब्रश, सॉफ्ट थोड़ा ब्रश लें आप। सबसे पहले इन ज्वेलरी को आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दीजिए। बस एक दो मिनट, बस इसको निकाल के के ऊपर आप थोड़ा सा पेस्ट इस तरह से लगा लें और हाथ में रख के रब करें। एक दो मिनट ही, ज़्यादा बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। सूखा लगे तो आप थोड़ा पानी में डिप कर लें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कालापन इसका निकल रहा है अभी। मैं ये सबके ऊपर लगा ले रही हूँ और दोनों हाथों से अच्छे से रब करेंगे। बिल्कुल दो चार मिनट में ही बिल्कुल ये पहले जैसा हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल काला काला सा हो रहा है, इसका पेस्ट बिल्कुल काला हो गया है। फिर से इसको पानी में डिप कर देंगे, जब तक इस कटोरी में भी हम पेस्ट लगा ले रहे हैं और अच्छे से लगाकर थोड़ी देर के लिए रब करें या फिर छोड़ भी सकते हैं। इसको लगा के थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, जब तक इसको हम ब्रश से हल्के हाथों से साफ करेंगे। और इससे आपका पेस्ट से आपका ज्वेलरी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना ही कोई स्टोन्स वगैरह में कोई भी इफेक्ट होगा, ये बिल्कुल ही सेफ है। आइए इस कटोरी को भी साफ कर लेते हैं। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से साफ कीजिए और हमेशा ज्वेलरी को नया सफाइए। ये अच्छे से मैंने रगड़ लिया है, आइए इसको धो लेते हैं। मैं साफ पानी से धो लेती हूँ इसको। मैंने साफ पानी से धो लिया है, आप देख सकते हैं कैसी चमक आई है इसमें, बिल्कुल लग रहा है ना नया सा। और ये पायल, अच्छी तरह से साफ पानी से धोएं। इन सबको आप एक साफ टॉवल में पोंछ लें। आप पायलों में अंतर देख सकते हैं। मैंने पैर में से एक एक निकाल दिया था, ये गंदा वाला है, ये अभी साफ किया, जो ये गंदा है ये साफ वाला है। आप अंतर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि अभी भी खूब अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है तो इसको आप पेस्ट को लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट
छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ब्रश मार करके साफ़ कर लीजिए, ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।